दोस्तों राजौड़ी बीच जो है वो विरार और नाला सोपारा दोनों ही स्टेशन से इजीली पहुंचा जा सकता है। ये जो स्टेशन है ये वेस्टर्न लाइन से वेल कनेक्टेड है और आपको विरार के लिए रेगुलर ट्रेन्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे पहुँचने के बाद ऑटो डायरेक्ट ऑटो करके जा सकते हैं। ऑटो में आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा, 300-350 रुपये का चार्जेस करेंगे वो आपको और आपको वो राजौड़ी बीच तक छोड़ देंगे। आपको रिटर्न के लिए भी वहाँ पे ऑटो इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ऑटो में आप आराम से 3-4 लोग बैठ के जा सकते हैं और यदि आप अपना खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद के व्हीकल से इजीली मैप पे राजौड़ी बीच डाल के पहुँच सकते हैं। तो ये रही आपको जानकारी आप कैसे पहुँच सकते हैं। अभी आगे की डिटेल आपको मैं बीच पे पहुँच के देता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे, तो फॉर अ चेंज आज मैं आप लोगों को मिल रहा हूँ एक बीच पे। जी हाँ, आज मैं ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पहाड़ों पे नहीं, मैं आज आपको मिल रहा हूँ नाला सोपारा और विरार के बीच में बहुत ही फेमस राजौड़ी बीच पे। काफ़ी फेमस है लोगों के बीच और बहुत ही सुंदर बीच है, काफ़ी साफ क्लीन। देख सकते हो मेरे पीछे बहुत भीड़ है यहाँ, ये देखिए बहुत ही लोग आए हुए हैं। आगे आगे जहाँ पे मेन एक्चुअली बीच है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं फिलहाल थोड़ा खाली जगह देख के यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मुंबई में, उस गर्मी से बचने के लिए लोगों को अभी से एक ही सहारा है बीच। तो फिलहाल मैं भी इसी सहारे के पीछे भागता हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत ही अच्छा बीच है, क्लीन बीच है, बहुत बड़ा बीच है। इस वीडियो पे आप बने रहिए, इस बीच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ और यहाँ कैसे आना है, क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो, इस बीच की पूरी डिटेल्स सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी जल्दी आपको इस वीडियो के बारे में सारी डिटेल्स देता हूँ। ये सारी एक्टिविटीज़ जिनको आप मज़ा ले सकते हो यहाँ पे, घोड़ा गाड़ी टांगा, उसके बाद बच्चों के लिए ये आपको मिल जाएगा, ये आप ले सकते हो। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं राइड से जो बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। आप रात ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो ये देखिए सीटी बजा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आप अंदर देख सकते हो, लहरों में काफ़ी अंदर जा चुके हैं तो उनको बाहर बुलाने के लिए यहाँ पे सीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ हादसे ऐसे ही होते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है कि वो कितने अंदर जा चुके हैं लहरों में, और लहरें जब आगे बढ़ जाती हैं तब वो हादसों में तब्दील हो जाती हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये सीटी इन्होंने बजाई और ये कोस्ट गार्ड हैं आप और इन्होंने उनको बाहर बुलाया है। अभी अपन ने सारी एक्टिविटीज़ तो देख ली है, यहाँ पे कैमल राइड है, घोड़ा गाड़ी है, बच्चों के लिए भी राइड्स हैं। अब एक एक्टिविटी ये भी है जिसमें कि आप यहाँ पे बोट की सवारी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो ये देख के लग नहीं रहा है कि बोट चालू होने वाली है क्योंकि ये धक्का मार के तो ऐसे नॉर्मली थोड़ा आगे लेके जाते हैं। और ये देखिए लहरों के सामने कुछ भी चीज़ नहीं टिक पाती है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन जो बोट पे जो बंदा है वो मोटर चालू करने का ट्राई कर रहा है बट मोटर चालू नहीं हो रही है, और यही रीज़न है कि बोट जो है वो आगे जाने की बजाय लहरों के साथ वापस पीछे आ रही है। अभी आप देख सकते हो कि कितना ख़तरनाक सीन लग रहा है। अभी जो लोग बैठे हैं ये देखिए, अभी शायद आपको दिख रहा होगा वो काफ़ी देर से ट्राई कर रहा है बट बोट ओ हो यहाँ देख के ये हाल हो रहा है, वहाँ बैठे हैं जो उनका क्या हाल हो रहा होगा। वैसे मैं जब भी अरनाला गया था तब मैंने भी बोट राइड की थी लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, ऐसा तो मेरे को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला था। अभी जिस तरीके से
लहरें आ रही हैं, ये देखिए वो बंदे में, लेकिन आप देखिए जो नीचे हैं उन्होंने अपने हाथ से पूरी बोट को घुमा दिया। टैलेंट है भाई, टैलेंट है। तो दोस्तों फाइनली मोटर चालू हो गई है और अब लहरों को चीरती हुई जो है बोट निकल चुकी है अपनी सवारी पे, बहुत ही स्पीड में जा रही है। यहाँ देख के मेरी ये हालत हो रही है, डर तो लग रहा है मुझे भी, लेकिन होपफुली लोग जल्दी से जाके वापस आ जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग फुल स्पीड फुल रफ्तार में जा रही है और जो लहरें हैं उस लहरों को सही तरीके से क्रॉस कर रही है, बहुत बढ़िया। चलिए इनको इनकी राइड को एंजॉय करने दीजिए, हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सिटिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, ये आप सारे पत्थर देख रहे हैं ये सब सिटिंग के लिए है, मतलब आप यहाँ पे बैठ के मस्त सनसेट का मजा ले सकते हो। देख सकते हो कितना अच्छा है, मतलब यहाँ पे उतनी भीड़ भी नहीं है, लोग तो एकदम आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। इसके ऊपर पानी भी है यहाँ पे, आप एकदम सुकून से बैठ सकते हो पूरी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मस्त यहाँ पे आप सनसेट का मजा ले सकते हो। दोस्तों राजौड़ी बीच के कंप्लीट बीच लाइन पे आपको बहुत सारे कैफ़े मिल जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और अच्छे अच्छे फूड्स का मज़ा भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बीच लाइन है उस बीच लाइन के अपोजिट में कंप्लीटली आपको जो है बहुत सारे कैफ़े मिल जाएंगे, जैसे कि आप सामने ये देख सकते हो, ये पीछे है और भी आगे बहुत सारे कैफ़े हैं जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी इवनिंग आपकी स्पेंड कर सकते हो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी में बैठ के सनसेट के व्यू को एंजॉय करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा बीच है और आगे भी आपको ऐसे काफ़ी कैफ़े मिल जाएंगे जहाँ पे, मतलब ये है कि आप सिर्फ दिन में या इवनिंग में नहीं है, आप थोड़ा एक शाम होने के बाद लाइट जलने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे आने का आप लोग भी प्लान करेंगे। और ये देखिए और भी इस तरीके के कैफ़ेज़ हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी नए जगह पे नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।